वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसके पांच न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल है यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई किया है, तो आप इनका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 3 से 4 मार्क्स के लिए, कभी 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेम क्वेश्चन रहेगा, फाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एफ वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू के प्लस डी वाई बाय डी एक्स उसका स्क्वायर रेस टू 3/2। देखिए ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे रूल्स हमारे क्या है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे 3/2 फ्रैक्शन है, तो 3/2 फ्रैक्शन को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सिंपली रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/2 है आपका। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 3/2 है, तो अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो आपका यहाँ से 2/2 चला जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड ध्यान में रखिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड को स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब उसका स्क्वेयर यहाँ पे क्या होगा, के प्लस डी वाई बाय डी एक्स उसका स्क्वायर यहाँ पे आपका 3/2। देन यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब उसका स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस डी वाई बाय डी एक्स उसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3/2 × 2 करेंगे तो 2/2 आपका गेट कैंसिल, 2/2 आपका गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ओनली वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आपका चला गया। तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमें देखना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, तो देखिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, आपका क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव है, आपका डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव है, आपका थर्ड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कितना आएगा, 3, उसका पावर कितना है, 2, तो डिग्री कितना आएगा, 2। ये आपका हो गया एफ वाला सोल्यूशन। देन नेक्स्ट जी का सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्यूब रूट डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अंडर रूट डी क्यू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। देखिए ऑलरेडी ऐसा एक सेम न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया है, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू आई थिंक यहाँ पे हमने अंडर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट था, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको फॉलो करना है। देखिए क्यूब रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में है तो अंडर रूट हमें निकालना है, क्यूब रूट हमें निकालना है, अंडर रूट 4 यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या क्यूब रूट है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3। यहाँ पे 4 अंडर रूट है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/4, यहाँ पे 1/3 बराबर, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/4। तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई 1/3 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर 1/4। देखिए यहाँ पे हमें सिंपली एलसीएम लेना है, तो 3 × 4 क्या होगा, 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 12 12।
डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, देखिए सिंपल है, वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर, थ्री इंटू फोर कितना 12, तो यहाँ पे को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ पे 12 इंटू वन कितना होगा 12, 12 बाई थ्री कितना होगा 12 बाई थ्री फोर इज इक्वल टू देन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 12 इंटू वन कितना होगा 12 इंटू वन 12, 12 बाई फोर कितना होगा 3। तो ऑर्डर देखिए यहाँ पे आपका फ्रैक्शन चला गया, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन देन डिग्री ऑफ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमें हाइएस्ट डेरिवेटिव देखना है, हाइएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका हाइएस्ट डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कितना सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कितना हुआ आपका 2, तो उसका पावर कितना है 3, तो उसे हम बोलेंगे डिग्री कितना है 3, आपका जी वाला सोल्यूशन हो गया। देन एच, एच का सोल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पे भी सिंपल है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बाय रेस्ट टू 2 बाय 3 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स, वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे 2 बाय 3 आपका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले, देन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर रेस टू 2 बाई 3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में है, तो y प्लस डी वाई बाय डी एक्स, तो अंडर रूट के बदले मैं 1 बाय 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, अंडर रूट के बदले 1 बाय 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर रेस्ट टू 2 बाय 3 इज इक्वल टू, देखिए फ्रैक्शन हमें निकालना है, y प्लस डी वाई बाय डी एक्स रेस्ट टू 1 बाय 2। देखिए हमें फ्रैक्शन कैसे निकालने के, तो एकदम सिंपल है, फ्रैक्शन कैसे निकालना है, डायरेक्टली भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे एलसीएम लेना है, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 12 बाई 3 कितना होगा 4 इज इक्वल टू y प्लस डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे 6 इंटू 1 कितना होगा 6, 6 बाय 2 कितना होगा 3। देखिए यहाँ पे आपका फ्रैक्शन चला गया, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे, देखिए यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है आपका सेकंड, तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कितना हुआ 2, उसका पावर कितना है यहाँ पे 4, उसका पावर कितना है 4, तो आपका डिग्री कितना हुआ डिग्री ऑफ इक्वेशन 4। देखिए ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 2 से 3 मार्क्स के लिए, अगर क्वेश्चन 1 में आएगा तो 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 5th में आएगा तो 3 मार्क्स के लिए, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।